फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला पे। आज हम आए हैं बुक शॉप में। बुक शॉप में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स जो सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे स्टूडेंट्स या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सजेस्ट करते हैं वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी ज़्यादा यहाँ पे सेल होती हैं मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वो बुक्स मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि जो बुक्स आपको मंगवाना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, लिंक से आप जो है बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बुक को आप अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं, कुरियर से भी या डायरेक्ट भी आकर के इस नंबर पे दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल करके बुक प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ बुक कौन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल होती है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की लेता हूँ, तो इतिहास की जो किताबें हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास है, ये स्पेक्ट्रम की बुक है। तो स्पेक्ट्रम जो आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री का है, इतिहास का है, तो आप इसे ले सकते हैं। अदरवाइज आप छोटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कम पढ़ना है तो विपिन चंद्रा की जो है आधुनिक भारत का इतिहास, इससे भी आप पढ़ करके अपना सब्जेक्ट मजबूत कर सकते हैं इतिहास का। साथ ही साथ ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है इसमें आपको सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी मिल सकती है। इसका जो है आपको इसमें सभी में डिस्काउंट भी मिलता है सारी बुक्स में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये मध्यकालीन भारत है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्र की ये भी है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक भारत का परिचय है, ये रामचरण शर्मा की बुक है, ये भी आपको यहाँ से परचेस करना होता है, क्योंकि अगर आप बेसिक तैयारी करना है तो आपको इन सारी बुक्स को लगभग लगभग पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ समकालीन विश्व का इतिहास है तो विश्व के इतिहास के लिए भी अर्जुन देव की बुक को पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ अरविंद जैन की जो है बुक्स ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। और उसके साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं सुभाष कश्यप की जो ये बुक है ये काफ़ी चलती है, काफ़ी फेमस है। तो दो प्रकार की सुभाष कश्यप की बुक है, एक है हमारी संसद और एक है हमारा संविधान। इन दोनों ही चीज़ों को आप राजव्यवस्था की तैयारी में ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये क्रॉनिकल का जो है एथिक्स के लिए है, नीति सत्यनिष्ठा अभिरुचि के लिए है क्रॉनिकल की, ये भी आप बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अशोक कुमार जो आईपीएस है उनकी बुक है आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, तो आप इसे भी मंगवा सकते हैं। और इसके साथ राम आहूजा की भारतीय समाज ले सकते हैं, ये भी बुक काफ़ी चलती है यहाँ पर। इसके साथ आपको दिखाते हैं राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट को कवर करता है। और अगर आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक तो साइंस एंड टेक में आप देख सकते हैं रवि पी अग्रहरी की ये बुक आप ले सकते हैं, या इस नाम से और भी जो बुक आ रही हैं रवि पी अग्रहरी की वो भी बुक्स आप ले सकते हैं। साथ ही पुष्पेंद्र पंत की पढ़ना है पुष्पेंद्र पंत की तो आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन जो 21st सेंचुरी का है तो उसके संबंध में आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत की राजव्यवस्था जो कि जब आप सब कुछ पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसको ये पढ़ी जाने वाली बुक है लक्ष्मीकांत की, जो भारत में लगभग हर स्टूडेंट इसको पढ़ता है और ये काफ़ी प्रेफरेबल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रमेश सिंह की सबसे ज़्यादा अगर आपको इकोनॉमिक्स के एरिया में पढ़ना है तो रमेश सिंह की बुक पढ़ें, ये बुक काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर जो है नितिन सिंघानिया का है, भारतीय कला और संस्कृति, तो ये जो है आप नितिन सिंघानिया की बुक आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ राजगोपालन की जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, ये सारी बुक जो है यहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं, ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट इनको प्रेफर करते हैं। उसके बाद माजिद हुसैन, अगर भूगोल आपको पढ़ना है तो अगर आपका कोई भी हिस्ट्री का टीचर होगा तो माजिद हुसैन की चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ाएगा, तो यह बुक आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आपको एक एटलस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको दिखाते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आपको जो है एटलस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एटलस ऐसे होते हैं, इसमें सूचियां दी होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उन चीज़ों का आपको इन एटलस में आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आपकी सुविधा के लिए होता है। साथ ही साथ इसके पीछे जो है एटलस में आपको सभी नक्शा झंडा मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये जो चार्ट मिलेगा ये चार्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे चार्ट आपको मिलेगा। साथ ही आपको एक बड़ा चार्ट मिलता है कि आप इसमें ओवरऑल तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो आपको इम्पोर्टेंट बुक लगती है तो आप उसे यहाँ से बाय एड्रेस अपना एड्रेस दे करके आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। जो भी आपके नॉलेज में अगर एक्स्ट्रा सोर्स से भी आपको पता चलता है कि ये बुक्स हैं तो यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाती हैं और ऑर्डर करके मंगवा भी दी जाती हैं, तो आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप लेना चाहें बुक तो यहाँ आएँ, आपको हर प्रकार का स्टेट लेवल का भी आपको बुक यहाँ पर अवेलेबल है और सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम है उसका भी बुक सारी यहाँ पर अवेलेबल है। UPSC और
स्टेट लेवल की जो PCS एग्जाम है उनके सबके लिए ऐसी सारी बुकें पढ़नी है, यही ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में परचेस की जाती हैं। यही जो है जो टीचर होते हैं उनकी भी यही रिकमेंडेशन होती है कि आप इन बुक्स को पढ़ें ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और हमें दिए गए लिंक पे बताइए कि आपको कौन सी बुक चाहिए, हम आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेसिक से बेसिक जानकारी मुखर्जी नगर या IAS एस्पिरेंट्स, UPSC एस्पिरेंट्स या लॉ एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं उनकी भी बुक्स अवेलेबल होती है, उन सब के लिए आप चैनल जरूर देखते रहें। और इसी तरीके की जानकारी मुखर्जी नगर से रिलेटेड, IAS से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।